पिता की सीख। एक बेटा ने अपने पिता से बोला, पापा मुझे 10,000 चाहिए। पिता अपने बेटे की फिजूल खर्ची से परेशान था। हालांकि पिता के पास पैसों की कमी तो नहीं थी, लेकिन अपने बेटे के पैसों के इम्पोर्टेंट समझाना चाहता था। बेटा बोला, मैं तुम्हें 10,000 रुपये नहीं बल्कि 20,000 रुपये दूंगा। बेटा खुश। पिताजी बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें बारी बारी से 100-100 के 5 नोट दूंगा, तुम्हें उन्हें फाड़ना होगा। बेटा बोला, बस इतनी सी बात, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं ऐसा कर दूंगा। पिता ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और 100 रुपये का नोट निकालकर अपने बेटे को दिया। बेटे ने झट से उसके 2 टुकड़े कर दिए। पिता ने दूसरा 100 का नोट दिया, बेटे ने लिया और फाड़ दिया। इस तरह पिता ने तीसरा नोट दिया, बेटे ने फाड़ दिया। चौथा नोट दिया, बेटे ने उसे भी फाड़ दिया। बेटे ने पांचवा आखिरी नोट मांगा। पिता बोले कि आखिरी का 100 रुपये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, उसे तुम्हें खुद कमाना होगा, वो भी एक दिन में। बेटा तुरंत बोला, बस इतनी सी बात, मैं एक दिन में 100 रुपये कमाऊंगा और उसे फाड़ दूंगा, बस आप 20,000 रुपये तैयार रखिए। पिता बोले, बेटा याद रखना, तुम्हें 100 रुपये कमाने हैं, किसी से मांगने नहीं हैं। दूसरी सुबह बेटा घर से 100 रुपये कमाने के लिए निकला। काफ़ी देर भटकने के बाद उसे एक चाय वाला दिखा। चाय वाले के पास जाकर बेटा बोला, अंकल मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं आपके सब बर्तन धो दूंगा। चाय वाले ने लड़के को देखा और बोला, तू दिखता तो अच्छे घर का है, पर मैं तुझे 10 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। लड़के ने सोचा, कोई बात नहीं, शुरुआत तो की जाए। बेटे ने बर्तन धोए और उसे 10 रुपये मिल गए। मन ही मन वो सोच रहा था कि जिस 10 रुपये की वो कीमत भी नहीं समझता था, आज उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना अपने किसी दोस्त से 100 रुपये मांग लिया जाए। लेकिन पिता के शर्त याद आ गई कि पैसे सिर्फ मेहनत से कमाने हैं। लेकिन साथ ही उसके दिमाग में यह भी चल रहा था कि 100 रुपये ही तो कमाने हैं, उसके बाद मुझे 20,000 मिल जाएंगे। पूरे दिन कभी बोझा उठाता, कहीं झाड़ू लगाता, कहीं कहीं गालियां भी खानी पड़ी। 10-10 रुपये के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके कपड़े गंदे हो गए और उसके हाथ में गांठ तक पड़ गई। पूरी तरह से थक हार कर शाम तक उसके 100 रुपये पूरे कर घर पहुंचा। घर पर पिताजी उसका इंतजार कर रहे थे। बेटे ने पिता को 10-10 के नोट दिखाए और बोला, पापा मैंने 100 रुपये कमा लिए। पिता बोले, बहुत अच्छा, अब इन आखिरी 100 रुपये को फाड़ दो और शर्त पूरी करो। बेटा मुस्कुराया और उन नोट्स को फाड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वो उन नोट्स को फाड़ने लगा, उसके सामने वे पिक्चर आ गई कि किस तरह उसने इन पैसों को कमाने के लिए मेहनत की है और गालियां तक सुनी है। उसका हाथ रुक गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए और बोला, पापा जो आप समझाना चाहते थे मैं समझ गया। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।